डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, 10th क्लास में मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी की बुक से हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में अगर बात करें तो एक्सरसाइज 13.2 तक के क्वेश्चन ख़त्म कर लिए हैं। चलिए आगे एक नया एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, एक्सरसाइज 13.3। अब 13.3 में हम लोगों को कोई नया फार्मूला यूज नहीं करना है दोस्तों। 13.3 एक्सरसाइज में एक्चुअली अगर हम लोग फार्मूला का बात करें तो ऑल जितने फार्मूला हम लोग पहले पढ़े हैं उतना ही फार्मूला का हमें यूज करना है। जितना फार्मूला को हम लोगों ने पढ़ा है उतना ही फार्मूला है, ज़्यादा कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन हाँ, इस एक्सरसाइज में एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है। वो कॉन्सेप्ट ये कि इसमें एक आकृति को दूसरे आकृति में बदलने वाले सवाल हैं, जैसे शंकु में जितना पानी आता है या शंकुआकार मिट्टी का बर्तन है उसको, उससे जो शंकुआकार ठोस बर्तन है उसको बेलन के रूप में चेंज कर देना है। मतलब इस एक्सरसाइज में हम लोग आकृतियों को बदलने के फॉर्म पे एक आकृति को दूसरे आकृति में बदलेंगे तब क्या उसका ऊंचाई होगा, उसका लंबाई होगा, उसका आधार की त्रिज्या होगा, ऐसे करके कुछ सवालों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस को। जरा पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। हालांकि आपके एनसीईआरटी के 13.3 एक्सरसाइज में पहले ही नोटिस कर दिया है कि जब तक न कहा जाए अन्यथा पाई का वैल्यू 22/7 लीजिए। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर पाई का वैल्यू 3.14 बोले तभी लेना है, अन्यथा हमेशा हर जगह 22/7 लिया जाता है। तो इस बात को हम लोग पहले से जान रहे हैं। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन। त्रिज्या 4.2 यानी कि 4.2 वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पे सवाल को समझिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोला कि एक गोला था भाई, एक ठोस गोला था जिसकी त्रिज्या कितनी थी, जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर थी। ध्यान दीजिएगा बातों को, एक गोला है, इस गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या मान लीजिए R1 कितना है तो 4.2 सेंटीमीटर। अब क्या बोला कि ये जो गोला है इसको पिघला पिघला कर इससे हम लोग क्या बना लिए, बेलन बना लिए, यानी कि कुछ इस तरह का बेलन होता है, ये हो गया बेलन। ठीक है, यानी कि पहले क्या था भाई, एक गोला था। मान लो कि लोहा का एक गोला है, ठीक है, लोहा का एक गोला है। अब उसको पीट पीट कर लोहार के पास ले गए, बोलेंगे ना इसको आप क्या कर दीजिए, बेलन के आकार का हमको बना दीजिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हम उसको जितना गोला देंगे उतना ही से ना पीट पीट कर बेलन बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक बात आप चीज़ों को गौर से सुन लीजिए कि अगर भले हम उसका आकृति बदल देंगे लेकिन आयतन हमेशा बराबर होता है। ठीक है, आयतन हमेशा बराबर होता है। जैसे यहाँ गोला था, इस गोले के आयतन को हम गोला ठोस गोला है उसको बदल दिया जाएगा किसमें, बेलन में। तो याद रखिएगा, जिसमें बदलेंगे तो जिसको बदलेंगे बेलन का आयतन और गोला का आयतन दोनों बराबर होता है, ध्यान रख लीजिए। इसमें हम लोग इस नए एक्सरसाइज में जो 13.3 है इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, नई बात नहीं है, बस इसमें एक ही दिमाग लगाना है कि भले उसका आकृति चेंज करते हैं लेकिन आयतन हमेशा बराबर होता है। आप सोचिए ना, हम इतना बड़ा गोला ले जाकर और लोहार को बोलेंगे कि इसको ना हमको बेलन बना दीजिए, तो
अब वो कहेगा कि अच्छा इससे बेलन नहीं बनेगा, आओ हमको लोहा दीजिए, ऐसा नहीं है। जितना आप उसको दीजिएगा उसी को पीट पीट कर लोहा गोला बेलन बनाएगा। तो कहने का मतलब कि उतना ही ना लोहा रहेगा, इसलिए आयतन हमेशा बराबर रहेगा, मतलब आकृति खाली बदल देना है, लोहा वही रहेगा, उतना ही से हमको बदलना है। लेकिन एक कंडीशन है कि गोले का जब त्रिज्या था उसका 4.2 सेंटीमीटर था, और उसके लिए उसको हम बोले कि बेलन बना दो, लेकिन उस बेलन का त्रिज्या तुम रखना कितना, उस बेलन का त्रिज्या तुम रखेगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि उसका त्रिज्या को आप मान लीजिए R2, यानी बेलन की त्रिज्या को हम मान लेंगे, बेलन की त्रिज्या को मान लेंगे हम R2, और R2 हो गया 6 सेंटीमीटर। तब सवाल में बोल रहा है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि H का मान निकालना है। तो प्रश्न से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि इसी गोला को ना हम लोग चेंज कर दिए हैं बेलन में, तो जो आकृति बदल गया तो समझिए आयतन हमेशा बराबर होगा, यानी कि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ध्यान दीजिए, हम ये बार बार इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं कि अगर कोई आकृति को दूसरे आकृति में बदल दिया जाता है तो आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका आयतन भी उतना ही होगा और बेलन का आयतन भी उतना ही होगा। अब गोले का आयतन का फार्मूला बताओ क्या होता है भाई, तो 4/3 πr³ होता है, लेकिन गोले का त्रिज्या हम R1 माने हैं तो R1 का क्यू कर दीजिए, और बेलन का आयतन तो इसका होता है πr²h, तो बेलन के R यानी कि त्रिज्या को R2 माने हैं तो R2 का स्क्वायर लिख दीजिए। अब क्या करना है, 4/3 4/3 रख दीजिए, पाई का मान 22/7 तो 22/7, R1 का क्यू तो R1 4.2 का क्यू कर दीजिए इधर। अब लेफ्ट वाला का मान निकाल लेना है, जितना आएगा गुना करके, फिर इधर भी 22/7 गुने R2 का स्क्वायर, तो R2 6 है, 6 का स्क्वायर गुना में H। अब क्या करना है, इसका आप सॉल्यूशन कर लीजिए, लेफ्ट साइड का LHS के बराबर के बाएं तरफ वाला का सॉल्यूशन कर लीजिए और बराबर के दाएं तरफ वाला का सॉल्यूशन कर लीजिए, और H का मान निकाल लीजिए। समझ में आ रहा है ना, एक समीकरण बन गया, ई वाला जितना गुना में है इधर भागा में कर देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ से आप खुद से H निकाल लीजिएगा और आपको आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2। बोला जा रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब बहुत इंटरेस्टेड सवाल है। देखो इस बार क्या है भाई कि छोटा छोटा गोला का एगो है, 3 गो है, एगो ई वाला गोला है, एगो इससे थोड़ा सा बड़ा है, एगो इससे बड़ा है, ठीक है। अब ये तीनों हम उसको एक लोहार को क्या कहें कि आप जो है ना हमको आप 3 गो गोला लीजिए, एगो गोला का त्रिज्या हुआ 6 सेंटीमीटर, एगो का त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर और एगो का त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर। एक लोहार को हम दिए 3 गो छोटा छोटा गोला, ठीक है, लोहा का एक थोड़ा सा कम छोटा था जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। हम क्या बोले कि भाई आप एक काम कीजिए, इसी गोला ये तीनों के मिला के और एक बड़ा गोला बनाकर हमको दीजिए। समझ में आया, और अब ऐसे भाई तुम समझते हो ना कि अगर 3 गो उसको गोला देंगे तो ये तीनों के मिलाकर गोला तो बड़ा बनेगा। तो हम बोले कि आप जो है ना तीनों को मिलाकर हमको एक ही गो गोला बनाकर दीजिए। वो क्या करेगा, तो उसको गर्म करेगा लोहा को, फिर पीटे पाटेगा, बढ़िया से गोल करेगा। तो हम उसको क्या बोले कि 3 गो लोहा लीजिए, गोला लीजिए और तीनों को मिलाकर हमको एक बड़ा सा गोला, आप 3 गो के मिलाइएगा और अपने तरफ से कुछ एक में मिलाना उलाना नहीं है। तो हम इसको 3 गो दिए लोहा का छोटा छोटा गोला, मैंने छोटा था, फिर उसके बाद त्रिज्या त्रिशा बड़ा था, और उससे हम बोले कि आप एगो बड़ा गोला बनाइए और बड़ा गोला बना के दे देगा, तब उसका त्रिज्या कितना होगा ये हमें पूछ रहा है,
ठीक है, तो आप इसको मान लीजिए बड़ा वाला गोले का त्रिज्या मान लीजिए आर, यहां से यहां तक कितना होगा, आर होगा। अच्छा, हम उसको तीन गो दिए हैं, वो ए गो दे रहा है, तो आप बताइए ये तीनों के आयतन को जोड़ेंगे तो बड़ा वाला आयतन के बराबर होगा, क्योंकि आप चीजों को समझो, हम उसको तीन गो लोहा दे रहे हैं और उधर उधर से तीनों मिला के दे रहे हैं, तो जो मिला के गोला दे रहा है तो ई वाला का आयतन और इधर से तीनों के आयतन को जोड़ेंगे तब ना इसके बराबर होगा। अच्छा, अब हम लोग छोटे छोटे गोले वाला का हम त्रिज्या मान ले, तो ए गो का त्रिज्या मान लो आर वन बराबर 6 सेंटीमीटर, आर टू बराबर 8 सेंटीमीटर और आर थ्री बराबर 10 सेंटीमीटर। ये छोटा छोटा गोले का आयतन है, सॉरी त्रिज्या है, और यहाँ पे हम मान लिए हैं, माना बड़े गोले के आयतन, बड़े गोले का आयतन का त्रिज्या, सॉरी त्रिज्या बराबर आर, यानी बड़ा वाला गोला का कितना मान लिए हैं आर। अब प्रश्न से अब दिमाग लगाइए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि तीन गो हम लोग छोटे छोटे गोला दिए हैं और एक गो बड़ा है, तो तीनों छोटे गोले का आयतन, तीनों छोटे गोले का आयतन के बराबर होगा कौन सी, बड़े गोले के आयतन, बड़े गोले के आयतन। ठीक है, अब तीन गो छोटा छोटा आयतन कैसे निकालेंगे, तो पहले ई वाला तीनों तीनों के जोड़ेंगे तब ना तीनों छोटा गोला हो जाएगा, तो छोट गोले के आयतन तो होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, तो पहला वाला छोटका के हम आर वन माने हैं, तो आर वन का क्यू प्लस 4/3 पाई, अब फिर दूसरका वाला छोटा है तो आर टू का क्यू प्लस 4/3 पाई आर थ्री का क्यूब। ठीक है, यानी तीनों छोटकन के तो आयतन निकल गया, जोड़ दिए, और बराबर बड़ा गोला, तो बड़ा गोला का आयतन 4/3 पाई, इसको कैपिटल आर माने हैं, तो कैपिटल आर का क्यूब। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई और 4/3 पाई, तीनों क्या है कॉमन, तो तीनों इधर से कॉमन कर लीजिए, तो तीनों अगर कॉमन करेंगे तो 4/3 पाई कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आर वन का क्यू, आर टू का क्यू, आर थ्री का क्यू, अब इधर बन जाएगा 4/3 पाई आर का क्यू, कैपिटल आर का क्यू। अब हम जानते हैं कि दोनों तरफ अगर सेम सेम रहता है तो कट जाता है, 4/3 इधर है, 4/3 इधर है, कट गया, पाई इधर है, पाई इधर है, कट गया। अब क्या करना है, आर वन के जगह पे 6 का क्यू प्लस आर टू के जगह पे 8 का क्यू प्लस 10 का क्यू और बराबर में कैपिटल आर का क्यू, यही बड़ा वाला आर का मान निकालना है। आप 6 का क्यू कीजिएगा तो 216, 8 का क्यू कीजिएगा 512, 10 का क्यू कीजिएगा 1000 बराबर आर के क्यू, और सबको जोड़िएगा तो 1728 बराबर में आर का क्यू। अब आप जानते हैं कि इधर स्क्वायर रहता है तो इधर अंडर रूट हो जाता है, उसी के तरह से यहाँ क्यूब है तो यहाँ आ जाएगा तो घनमूल हो जाएगा। आप पढ़े होंगे 8वां क्लास में घनमूल क्या होता है, तो घनमूल चढ़ गया, जब यहाँ पावर 3 हटता है तो यहाँ क्या चढ़ता है, घनमूल, और जब इसको घनमूल में कुछ होता है तो तीन तीन गो के जोड़ा लगावल जाता है, तो जब आप इसको तीन फैक्टराइज कीजिएगा माने इसको तोड़िएगा 1728 को, तो जितना जितना आएगा यानी किसका घनमूल निकालना है, घनमूल तो आता होगा यानी तीन तीन गो के जोड़ा लगेगा तो तब उसको बाहर करेंगे, तो इसका जो घनमूल होगा वो 12 हो जाएगा, तो आर बराबर 12 सेंटीमीटर बड़ा वाला गोला का त्रिज्या होगा। इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन को हम ना बना ही दिए हैं, सॉल्यूशन ही कर दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले उसको सवाल को समझ लीजिए। बोला जा रहा है व्यास 7 सेंटीमीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर और 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है, तो इस चबूतरे की ऊंचाई क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। तीसरा वाला सवाल में पहले तो बोल रहा है कि
गहरा कुआं है, तो कुआं होता कैसा है भाई? तो कुआं होता है बेलनाकार। तो आप जो है बेलनाकार बनाइए एक कुआं। अब इस कुआं, एक कुआं जो है, इस कुआं को अगर खोदेंगे तो इस कुआं को खोदने से मिट्टी तो निकलेगा, एकदम पक्की बात है। अब इस कुआं को खोद दिए तो इससे जो मिट्टी निकला, इससे जो मिट्टी निकला, इस मिट्टी से एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरा कैसे बनाया जाएगा? ओटा, ओटा जिसको कहते हैं, घर के बाहर ओटा नहीं बनाया जाता है, वही ओटा बनाया गया है। ठीक है, तो ओटा कैसे बनाएगा भाई? तो जैसा ईटा होता है वैसा ही ना ओटा बनाया जाता है। देखिए ई वाला पर हम लोग बैठते हैं, ई वाला पर जिसको हम लोग कलर कर रहे हैं, ये एक तरह का ऊंटा, चबूतरा बोला जा रहा है यहाँ पे। अब ये ऊंटा थोड़े ना बोलेगा, तो चबूतरा बनाया गया। इसी जो कलर किए हैं इसी पर लोग आके ना बैठते हैं, घर के दरवाजा के पास बनाया जाता है। ठीक है, अब कौन वाला माटी से बनाया गया? जो हम लोग कुआं खोदे हैं वो वाला मिट्टी से। तो जितना कुआं खोदे हैं उससे जितना मिट्टी निकला उसी मिट्टी से ही बनाया गया। अच्छा, अब जो कुआं खोदे हैं उसका व्यास हमको दिया हुआ है, टोटल कितना व्यास था? 7। तो त्रिज्या कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि इसका त्रिज्या जो होगा 7/2 होगा, क्योंकि व्यास का आधा होता है। व्यास जब 7 है तो त्रिज्या आर का मान 7 के आधा होगा, 7/2। और दूसरी बात कि इस कुआं जो है 20 मीटर गहरा है, यानी कि इसका ऊंचाई हो गया 20 मीटर। ठीक ना, ये 20 मीटर क्या हो गया? ऊंचाई। अब यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि बेलन के लिए आर का मान हो गया 7/2 और ऊंचाई का मान हो गया 20 मीटर। अच्छा, एक और चीज़ दिया है कि इससे जो मिट्टी निकल कर हम लोग निकाल के चबूतरा बनाए हैं, इस चबूतरा का लंबाई और चौड़ाई दिया है। लंबाई दिया है 22 मीटर एल बराबर, और चौड़ाई बी बराबर दिया है 14 मीटर। तो यहाँ से हमको ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो आप बताइए, हम अभी क्या बोले कि अगर इस एक्सरसाइज में हम लोग यही पढ़ेंगे कि आकृति बदलना, पहले था ये बेलन के रूप में, अब हो गया घनाभ के रूप में, तो यहाँ से बेलन का आयतन बराबर घनाभ के आयतन। तो इस तरीके से प्रश्न से लिखा जाए, प्रश्न से जो कुआं खोदने में जो मिट्टी निकला, तो मिट्टी यहाँ से काटेंगे तो बेलन जैसा नजर आएगा, और यही वाला मिट्टी से हम लोग चबूतरा बना रहे हैं तो जो घनाभ के आकार का है, तो यहाँ से लिखेंगे कि बेलन का आयतन जो है किसके बराबर हो जाएगा? घनाभ के आयतन के बराबर। यानी हमेशा फिगर जब चेंज हुआ तो याद रखना कि उसका आयतन हमेशा बराबर होता है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला कौन सी होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और घनाभ के आयतन का फॉर्मूला एल बी एच। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर स्क्वायर, तो इसका आर स्क्वायर कितना? 7/2 के स्क्वायर, और इसका ऊंचाई कितना? 20। इसका एल का मान दिया है 22 गुने बी का मान 14 गुने एच। अब क्या करना है भाई? तो 22/7, तो 22/7 रख दीजिएगा, 7/2 का स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 के स्क्वायर 4 और गुना में 20, यानी एने वाला का सॉल्यूशन कर लेना है, और बराबर 22 और 14 गुना करके यहाँ और गुना में एच, और एच का मान